जीत कर भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन हमारे वाले छोटी छोटी टीमों से हारने के बावजूद रिटायरमेंट नहीं ले रहे। आपको एक बात बताऊं, ये तो एक प्लेयर का खुद का सेंस होना चाहिए ना कि भाई उसको अपनी जिंदगी क्रिकेट की किस तरह से चलानी है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ भाई, अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 हार जाता फाइनल, तो क्या उस वक्त भी विराट कोहली रिटायरमेंट लेते? क्या उस वक्त भी रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते? लेते भाई, बोलो क्यों? भाई फिर वो दो एक चीज सोचते, वो बोलते यार ठीक है हमने ट्राई किया, हमें 23 में मौका मिला, हमें 16 में मौका मिला, अब किसी और को मौका देना चाहिए, अब हमसे नहीं हो रहा, ऊपर वाले को नहीं है मंजूर भाई, ठीक है अब हमें हटना चाहिए और हमें जगह नहीं मिलनी चाहिए, हमें किसी और को मौका देना चाहिए। इंटरव्यू में सुना था कि वो बोल रहे थे कि मेरे और रोहित ने एक बात सोची हुई थी कि हम जीत के लेंगे रिटायरमेंट। भाई ये तो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल हुआ ना यार, अब उनको तो नहीं पता था कि वो जब वो पहली बॉल हो रही थी फाइनल की, उनको तो नहीं पता था कि वो जीत जाएंगे, ठीक है अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल था भाई वो जाहिर है। अब यहाँ पर आप देखो सर, यूएसए से हारे ठीक है, आयरलैंड से उससे पहले हारे ठीक है ना सर, सुपर एट में नहीं गए सर ठीक है ना, उसके बावजूद स्टार्टिंग हमारी अफगानिस्तान से हुई थी, उसके बावजूद रिजवान साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परसों, तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखें ये होता है और ये होता है और वो होता है और मोमेंटम नहीं था। अबे भाई तेरे को कब मिलेगा मोमेंटम यार, मतलब तू कब, तेरा वो दिन आएगा जब मोमेंटम मिलेगा भाई, अब तो हमें इसको भी झेलना पड़ेगा। आप सर, आप 2021 में जब इन दोनों ने इंडिया को हराया था वर्ल्ड कप में, तो आप बड़ा खुश हो रहे थे ना, हमें नहीं पता था ये अजाब हमारे साथ चलता चलता 2024 तक आ जाएगा। बाबर ने झेला, बाबर को झेला, अब रिजवान को झेलो 3 साल, उसके बाद देखते हैं कोई तीसरा कप्तान अच्छा कौन आएगा। लेकिन चलो ये बाबर रिजवान तो फिर चलो कुछ तो किया इन्होंने, कुछ तो किया, अब ये चाचा सर, अगर आप अभी मेरे मुंह से ये सुनने के लिए बैठी हुई हो कि ये बाबर रिजवान रिटायरमेंट का अनाउंस कर देंगे कि भाई ये लोग जीत नहीं पा रहे और ये लोग ये हो रहे, तो सर ये तो भूल जाओ, जब तक PCB नहीं बोलेगा कि भाई अपना बैग उठाओ और घर चले जाओ, ये क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ेंगे, खासतौर पे पाकिस्तान टीम का। कुछ प्लेयर्स जो है जीत के रो रहे हैं और हमारे वाले हार के भी नहीं रो रहे, बुड्ढे को कसम से यार, उसको तो मैं बोलता हूँ कि उसको वो दुनिया में रहना डिजर्व नहीं करता, मैं सीधा बोलूंगा, जिससे मेरी हटती है भाई मैं बोलूंगा इफ्तिखार अहमद। अबे भाई ये होते हैं कौन सा फिनिशर है यार, ये हिटर है, कौन सा तू फिनिशर है, कौन सा तुझे तेरे अंदर पावर हिटिंग में मतलब क्या है यार, ये तू मतलब इस तेरे से लाख गुना बेहतर आसिफ अली था भाई, अरे नसीम और शाहिद अच्छे मार लेते हैं छक्के, दो पूरा मैच साला मरवा देता है, जब भी इसकी मौका है मैच मरवा देगा। अच्छा होगा क्या, अबे इतने एक तो ये लोग वो हो गए, इतने चलाक हो गए, कसम से यार ये हारते हैं ना ये वापसी खेलने आ जाते हैं, उनको पता है यार अभी थोड़ा सा वो होगा, अभी आवाम की गलती है, खुद इनकी गलती है, हमारे सिस्टम की गलती है। यार देखो एक बात बताऊं, PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक है ना, वो ये चाहता है कि उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आए, उनके ऊपर कोई भी फजूल की बात नहीं आए ठीक है। अब मोहसिन नकवी ने आपको क्या बोला कि मैं एक बहुत बड़ी सर्जरी, अरे कब करोगे, बोला क्या मैं एक बहुत बड़ी सर्जरी करूंगा सर, अभी तो कोई न्यूज आई है आपको कि ये हो गया अभी तक, आप मुझे बताओ भाई, बल्कि हमारे पास तो ये खराब न्यूज ये आ रही है कि रिजवान कप्तान बन रहा है। इनफैक्ट अभी बाबर आजम की भी जो कप्तानसी जाने की रूमर्स हैं वो भी न्यूज नहीं है सर, न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, रूमर्स है वो न्यूज नहीं है। तो सर ये जो वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, इंडियन टीम तो पहुंच गई, सेलिब्रेशन वगैरह सब कर ली अपनी, तो ये तो सर्जरी कब होगी, ये सर्जरी क्या 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की बात करोगे, मतलब आप क्या चाह रहे हो कि 2025 भी आके सर पे, भाई फरवरी यहाँ पर नहीं है, बहुत करीब आ गया फरवरी, अब ये मत सोचो कि चैंपियन ट्रॉफी में 2 साल पड़े 1 साल पड़े, भाई ये सर पे खड़ा हुआ है चैंपियन ट्रॉफी, तो आपके चैंपियन ट्रॉफी तक यही करते रहोगे। उन्होंने यही किया था, शाहीन को कप्तान बनाया था, उसके बाद 1.5 महीने बाद उसको हटा दिया था भाई, जब तक वो समझ पाया। एक चीज तो इतनी कन्फर्म है कि पाकिस्तान टीम का अब कोई नया कप्तान देखने को मिल रहा है ठीक है ना, ODI के अंदर, मैं आपको बताऊं क्योंकि अभी T20 फॉर्मेट में तो होनी नहीं चैंपियन ट्रॉफी, ODI में होगी चैंपियन ट्रॉफी, नया कहां है, रिजवान पुराना ही है ना यार, एक तरीके से कप्तान से तो पहली दफा करेगा ना पाकिस्तान टीम, अब ये भी देखना पड़ेगा देख, और हम लोग सिर्फ आप देखो, एक्सपेरिमेंट्स ही करेंगे। मैं हमेशा 152-0 की बात करता हूँ, जब जितवाया था खुश हुए थे, बाप बनाया था, अब झेलो, अब मत भाई आप वो बोलो कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यार ये कहां से आ गए, टीम की हालत में बहुत बुरी हो गई है कि मतलब अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चलेंगे, चांस दें यार न्यू लोगों को। अच्छा वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा क्या, वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, नए लोगों को चांस देना एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अरे यार ये प्लानिंग होती है आपकी सर, ये प्लानिंग होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब तक एक प्लानिंग, अब कुछ नहीं हो सकता, आप अगर नए लोगों को चांस दे भी दिया PCB ने कि जाओ खेलो बाबर की जगह, जाओ खेलो रिजवान की जगह, जाओ खेलो इफ्तिखार की जगह, तो मेरे भाई जब वो लोग फिर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप लोग उनको भी गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो होंगे ना। और देखो आप सेम अयूब को PSL से लेगा ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं लेगी, वो अभी भी टीम में माशाल्लाह, वो PSL को भी नहीं ले रहा रिटायरमेंट। PSL को मैं किसी टके की लीग नहीं मानता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, PSL से लाख गुना ज्यादा अच्छा, जितना पैसा आप PSL पे लगा रहे हो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा दो ना सर, वहां से आपको ऐसा ऐसा टैलेंट देखने को मिलेगा ना भाई, आप खुद बोलोगे जीतने का, खुद बोलोगे कि यार ये बंदे हैं यार जो पाकिस्तान के ऊपर,
उफ, शादाब मतलब वहां पर जाके 8 विकेट ले रहा है। द बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, मतलब पाकिस्तान ने सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया है बंदे की कितनी हाफ सेंचुरी से आपको पता है, और सिर्फ 4 ओवर में बनाता है बंदा हाफ सेंचुरी, 4 ओवर में से भाई 24 गेंदों में से 18 गेंदे डालेगा फुल टॉस, सामने वाला बैट्समैन बोलेगा ये ठा छक्का और उसकी 50 हो जाती है। हारिस रऊफ को देखो यार, हारिस रऊफ को देखो वो तो टेपिया है, वो टेपिया। अभी जो थोड़ा बहुत जिसको मैं समझता हूँ यार ये है जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व कर रहा है और आगे भी करेगा वो एक नसीम शाह है, एक शाहीन शाह अफरीदी है, ठीक है, और आपका एक स्पिनर था जिसको आप अरफ मोहम्मद आमिर को भी इंक्लूड करो इसमें। भाई मोहम्मद आमिर तो देखो अभी आया है ना यार, वो लेकिन अभी तो इंक्लूड रखो यार, उसको मत हटा देना इंक्लूड, देखो अभी कंडीशंस पता लगेगी, अब जब वो ऑल मैचेस खेलेगा ना उस वक्त पता लगेगा, अभी तो किसी को पता नहीं था कंडीशंस यार। पाकिस्तान टीम तो वेस्ट इंडीज में गई नहीं ना यार, पाकिस्तान टीम तो अमेरिका से वापसी आ गई, आधा वर्ल्ड कप तो आपका वेस्ट इंडीज में खेलने था आपको, जो कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सुपर 8 में, तो अभी तो आमिर को छोड़ दो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि एक थोड़ा सा दुख भी हो रहा है एज अ क्रिकेट फैन, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हमें थोड़ा सा, हम चाह रहे थे कि हमारे प्लेयर्स हमारी वीडियो देख लें और थोड़ा सा उनके अंदर एक गैरत का जो एक वो होता है वो जाग जाए कि भाई देखो रोहित शर्मा विराट कोहली एक लेजेंड्स रहे इंडियन क्रिकेट टीम के, वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, वो चाहते हैं ना, वो बोलते हैं देखना चाह रहे भाई नहीं जाओ, और हमारे वाले यूएसए आयरलैंड से हार के सुपर 8 में ना क्वालिफाई करके बैड परफॉर्मेंस के साथ भी वो हर धर्मी से चुपचाप बैठे हुए, ये नहीं कि कोई न्यूज़ पे आके बोल दे भाईजान मुझे पाकिस्तान का एहसास है मैं कप्तानसी छोड़ रहा हूँ, भाईजान मैं टीम छोड़ रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, नहीं भाई, बल्कि माशाल्लाह से जो न्यूज चैनल जो पुराने सीनियर प्लेयर्स है वो टीम में आने के लिए लगे हुए अभी, तो मतलब क्या बात है यार, मतलब क्या क्या हाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई।